ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने आ, आ, सीखा परसों से एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना? तो अब इसमें क्या है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पता है ना, मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं? तो यस आप मैम, हाँ, सेम हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें भी, डेसिमल नंबर्स, ठीक है? आपका डेसिमल नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आप देखेंगे कैसे करना है, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, फिर आप लोगों को खुद आएगा, लेकिन पहले आप ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है? नहीं ओके, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 8.6, उसका जो पहला वाला क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है इंटू करना है ना, जो तो डेसिमल, हाँ, टेन से 100 से 1000 से, ठीक है, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक? तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी, फिर आपको आएगा खुद, फिर आप कॉपीज आप सामने रखेंगे, ठीक है? पहला पार्ट इज 4.79 × 10, तो यहाँ पे 6.907 0.3 बंद कीजिए, नाइन सेवन बजट देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है, फिर जब आप कॉपी पर भी काम लिखेंगे तो पहले आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, ठीक है? डेट लिखेंगे आप, ठीक है? देन, क्या है वालेकुम असलम, देन उसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज, ठीक मैम? यस है? 8.6, ओके। फिर आप लिखेंगे, आप लोगों को मैम, पता है ये कॉपी पर क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 1, क्वेश्चन 1, तो वो आप खुद लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल, इज मल्टीप्लाई, ठीक है? ये आप लिखेंगे पहले यही, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट ए, ठीक है? मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन नंबर 1, वो आप खुद लिखेंगे बुक से, ठीक है? तो पार्ट ए जो है वो क्या है, 4.79 इंटू टेन, 7.9 × 10 ठीक है? 4.79 × 10, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 4.79 × 10, ऐसे ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखना, तो हम लिखेंगे 4.79 × 10, ठीक है? तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम इसको पॉइंट वैसे, इसमें नहीं लिखना है। नहीं आप देखो फिर मैं बोलूंगी पॉइंट कैसे लिखना है, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? जब हम मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कैसे करना है, ठीक है? और 7.9 × 10, ठीक है? तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जीरो को करेंगे इन 3 डिजिट से, 9 से 7 से 4 से, ठीक है? फिर उसके बाद 1 को करेंगे 9 से 7 से और 4 से, ठीक है? पहले 0 से करेंगे, ठीक? 0.9 अब नाइन क्या होता है, जीरो 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 सेवन जीरो जीरो तो आप ऐसे ही जीरो 0, टेन और जीरो जीरो फोर और जीरो तो आप ऐसे ही अपनी अपनी सीट में इसको लिखेंगे, ठीक है? तो 0.9 और 0, 0.7 और 0, 0.4 और 0, फोर और जीरो इंचो तो नाउ 0 से हो नाइन गया जीरो डिजिट्स का, ठीक है? तो अब 1 से करना है, तो ये आप लोगों को जीरो जब हम दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है? तो आप करेंगे स्टार्ट 1.9, बच्चे अब आ रहे हैं, वन नाइन आर नाइन अपनी अपनी सीट में, ठीक है? 1.7 और 7, 1.4 और 4, ठीक है, अपनी सीट में। देन फिर आप लोगों को पता है, 2 ही डिजिट्स थे, 2 ही नंबर्स थे, तो किया हमने कंप्लीट इसको, तो फिर आप लोगों को पता है फिर क्या करते हैं, इसको प्लस करना होता है, प्लस ठीक है? अब जाके हमारा यस आंसर मैम, मिलेगा। तो यहाँ पे खाली 2 डिजिट्स थे, 2 नंबर्स खाली 10 था, 10 से हमें इनको मल्टीप्लाई करना था, अगर 100 होगा, ठीक है, और कोई डिजिट होगा यहाँ पे,
तो क्या करेंगे फिर आप लोगों को पता है, और एक लाइन में हम लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे खाली दो ही डिजिट्स थे, दो ही नंबर्स थे, तो हमने किया ऐसे ही दो नंबर्स से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको, फिर हम प्लस, अब यहाँ पे जीरो है इस वाली लाइन में, है ना, यहाँ पे जीरो है तो आएगा जीरो, देन जीरो यस सर, प्लस फिर आएगा नाइन, जीरो प्लस सेवन आएगा सेवन, मैं देन मैंने इसका लास्ट है। फोर। हाँ देखो ये हो गया इतना, ठीक है, यहां तक हो गया इतना, ठीक है। तो यस आप मैम, क्या करना है, ये जो हमारा डेसिमल यहाँ पे ये पॉइंट है, देखो आप लोगों को क्या करना होता है इसमें, हमें क्या करना होता है, ठीक है। आप रखोगे या टोटल, यहाँ पे खाली 10 है, यहाँ पे कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, मत है, तो यहाँ पे है ना। तो डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस होंगे, यहाँ पे कितने प्लेसेस होंगे, यहाँ पे कितने प्लेसेस है, मैम तो टोटल दो प्लेसेस है ना, दो पॉइंट के बाद एक टेन एंड थाउजेंड वन एंड हंड्रेड टू, एक दो है ना, खाली दो, यहाँ से कोई नहीं है, मत है, मत ओ है, मैम, यहाँ ओ मैम, ओ मैम, से। ओ मैम, इसको समझना, यहाँ पे खाली दो है, यहाँ से है ही नहीं, दैट मीन्स दो। तो जहाँ डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस होंगे ना, फिर उतने प्लेसेस के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट डालना होता है, ठीक है, आंसर में। देखो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो दो प्लेसेस है, तो देखो वन टू, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, आया यस मैम, समझ। लाइक दो कैसे आएगा वहां पे पॉइंट? मैंने बोला ना आपको देखना है, माइक्स बंद कीजिए आप लोग, आप देखोगे यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, यहाँ पे दो पॉइंट टू है मैम, ना, दो है खाली, वन एंड टू है ना, और यहाँ से है ही नहीं, मत है, अगर यहाँ से भी कोई मतलब पॉइंट के बाद कोई प्लेस होती तो हमें वो भी देखना होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई कोई प्लेस है ही नहीं, मत है, तो खाली डेसिमल के बाद यहाँ पे खाली दो प्लेसेस है, वन एंड टू, ठीक है, वन टू। तो अच्छा सो हमें आंसर जब निकलेगा, आंसर में हमें फिर उतने मतलब जितने प्लेसेस होंगे डेसिमल, करना उतने प्लेसेस के बाद हमें फिर ये पॉइंट डालना होता है, है मैम, ठीक है, अगर होगा लेकिन 4.78 और 9 और 0, तो हमें तीन तीन प्लेसेस के बाद तो ये डालना है डेसिमल पॉइंट। क्या क्या अगर होगा 4 पॉइंट, अगर ये है ना क्वेश्चन 4.79, अगर हाँ वहां पे 9 के पास 0 भी होगा, तो हमें यहाँ पे तीन तीन प्लेसेस नीचे छोड़ने हैं, उसके हाँ बाद दैट हमें मीन्स यहाँ डेसिमल पे, पॉइंट। दैट मीन्स हाँ दैट मीन्स पॉइंट के बाद तीन प्लेसेस है, वन टू थ्री, तो हाँ आपको फिर यहाँ पे तीन के बाद एक दो तीन यहाँ पे आता फिर, लेकिन यहाँ पे अच्छा, तीन है ही नहीं ना, दो दो ही प्लेसेस है, हाँ ही है, तो हमें दो ही छोड़ना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट। मैंने बोला इसलिए आपको, हाँ ये आप लोगों को खाली इस वाले साइड में नहीं देखना है, आपको यहाँ से भी देखना होता है, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई प्लेस है ही नहीं, मत है डेसिमल के बाद, हाँ अगर यहाँ लिसन फर्स्ट, अगर यहाँ से भी कोई प्लेस होती ना तो आपको फिर वो भी देखना होता था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे और एक वन होता पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बोलती हूँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वन होता पॉइंट वन, ठीक है, फॉर यस एग्जाम्पल, तो आपको क्या देखना था टोटल में, आप डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, यहाँ से दो है ना, वन टू, और यहाँ से एक है ना, अब तो ये कितने हुए यस टोटल में, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आपको देखना था थ्री के बाद, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आता पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो खाली दो प्लेसेस है, दैट मीन्स वन टू, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका जो डेसिमल आंसर वो क्या निकला, डियर फोर फोर हमारा, पॉइंट 79 इंटू 10 इज इक्वल टू हाँ 47.90 इज इक्वल टू 47 पॉइंट, पॉइंट नाइन जीरो हाँ बस ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, इसी मैम, तरह दूसरे, लेकिन जीरो मत ना, कुछ भी है अगर हम उधर जीरो नहीं लिखेंगे। हाँ तो चलेगा, जीरो का वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो 447.9 भी आएगा, हाँ मैंने लिखा ठीक 447.9। है, हाँ 47.9, हाँ ये भी आएगा आंसर इसका, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू
है ही नहीं, मींस के 10th पे 9 है, 100th पे कुछ नहीं है, 0 है. आप ये भी आप लिख सकते हैं, और 47.9 है बस. हाँ ओके नाउ लिसन, को मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगी फिर आप बाकी करेंगे खुद, मैं बोलूंगी फिर आप कौन सा मैंने किया दूसरा पार्ट. दूसरा पार्ट जो है वो भी 10 से करना है. ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे अभी. देखो मैं सी वाला पार्ट दिखाऊंगी, आप देखिए सी वाले पार्ट को क्या करना है. 82.4, माइक्स बंद कीजिए. 82.483, यही है ना, 82.483 इंटू 100, यानी अब 100 से करना है. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 82483 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो आप करेंगे ऐसे ही इसको, लेकिन साफ साफ गंद नहीं मचाना कॉपी में. ठीक है, अब जीरो से, यहाँ से आप 3 डिजिट से है ना, पहले इस जीरो को करेंगे, फिर इस जीरो से, फिर 1 से. गोडम जीरो सीट करो नहीं, सारे नंबर छुना. 03R0 अपने अपने सीट में, 08R0 इस जीरो से. ठीक है, 04R0 08R0. हाँ हो गया पहला वाला 0, 3 को भी किया, 8 को भी, 4 को भी, 2 को भी. अब दूसरा 0 है. ठीक है, तो दूसरी लाइन जब आप दूसरे डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको पता है क्या करना होता है ना, तो दूसरा 0 है. 03R0, 08R0, 04R0, 02R0, 0. ओके, अब हो गया दूसरे 0 से भी. ठीक है, अब किससे करना है, अब 1 से करेंगे. तो अब तीसरा वाला डिजिट डालना है. हाँ, जब तीसरा वाला होता है ऐसे आप लोगों को. हाँ, तो अब 1 से करेंगे, 1 3R3 अपने अपने सीट में. पहली वाली ये आप अपने अपने सीट में लिखेंगे, पहली वाली लाइन में ऐसे, फिर दूसरी वाली लाइन में. ठीक है, दैट मीन्स अब हमें 1 3R थर्ड वाली लाइन से स्टार्ट करना है. ठीक है, ये आप अपने अपने सीट में लिखेंगे, क्योंकि अगर ये इधर इधर हो जाता है तो फिर आंसर में प्रॉब्लम होती है, आंसर गलत निकलेगा, इसलिए आपको ये पहले ही ध्यान रखना है इसका. तो 1 3R, 1 8R8, 1 4R4, 1 4R4, 2 1 2R2, 1 8R8. या 3 नंबर से 0 से भी किया, फिर दूसरे 0 से भी, देन 1 से भी. अब मत कोई नंबर है बस. तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करना है, अब इसको हाँ प्लस करना है. तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इस वाली लाइन में खाली 0, देन क्या है, 0 0 0, फिर उसके बाद क्या है, 0+0+3, फिर उसके बाद क्या है, 0+0+8, हाँ 0+4, फिर 0+2 क्या आएगा, 2, देन 8. ये है इसका आंसर. ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, अब हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पे डालना है, कहाँ पे आएगा पॉइंट. तो डेसिमल के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस है, 3. मैम इस वाले चौथे वाले 8 पे आएगा ना डेसिमल. मैम इसको आएगा 824.83. 800 कहाँ आएगा, जरा आप देखो पहले पॉइंट के बाद कितनी है, यहाँ पे देखो कितनी प्लेसेस है. मैम मैम 3 8, 2, 4, 8, 3 है, क्योंकि 0 को मत कोई वैल्यू होता है. दैट मीन्स 110th पे 3 है, 100th पे कुछ नहीं है. ठीक है, तो आप लिखेंगे फिर इसका आंसर भी, डियर फोर 82.483 इंटू 100 इज इक्वल टू 8248.3. बस आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, जीरो जीरो मतलब मैटर करता है उधर, नो नो, इसलिए तो मैंने बोला ना पहले, यहाँ पे भी मैंने बोला आप हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी. ठीक है,
तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 300 है तो खाली 3 हम लिख सकते हैं इसको। आया समझ में? सर आप बी पार्ट आप कीजिए इसका। मैंने किया बी पार्ट। ओके माइक बंद रखिए आप, डी वाला पार्ट आप कीजिए। डी मैम किया, डी वाला पार्ट मैम डी करना है। हाँ माइक्स बंद कीजिए मदिया शौकत, माइक्स बंद कीजिए। बॉयज आप लोगों ने नहीं किया, मोहम्मद वकास आपने किया। मैं किया बी पार्ट। हाँ खाली मार दिया। अब नेक्स्ट ई वाला पार्ट बॉयज आपने नहीं किया। हाफिज मोहम्मद जो आपने समझाया मुझे वो समझ ही नहीं आया। मैंने किया मैम मैंने किया 5.00। जीरो को कुछ वैल्यू नहीं है, सॉरी है ना, 65 किसको? सी पार्ट को। हाँ जी यस मैम, उसको पॉइंट के बाद 2 आते हैं जीरो। हाँ दैट मींस जीरो को वैल्यू नहीं होता है तो 65 इसका आंसर है। यस मैम मैंने भी किया, मुझे भी है आने का। क्या बोले फिर पे कितने पार्ट्स हैं मैम? ये जो है ना यहाँ पे ये जीरो, ये हमें आंसर में नहीं लिखना है आगे। कौन सा वाला जीरो? मैम यहाँ पे मैंने इसको इंटर किया ना, मुझे यहाँ पे आया 10 और जीरो, फिर मैंने वो सामने नहीं लिखा। आंसर लिख ला आपको जीरो कहाँ आएगा इसको जो सीधे आएगा वहाँ पे। मुझे भी नहीं लिखा। हाँ 65 इसका आंसर। मैंने भी कॉपी पे कितने पार्ट्स करने हैं? मैं बोलूंगी किया, सबने किया। यस मैम 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 इनको और भी लिख सकते हैं, मतलब 10 और फिर यहाँ पे मुझे जीरो ही लिखना है यहाँ पे। यस मैम कॉपी पे कितने पार्ट्स करने हैं? जरा वेट कीजिए आप 2 मिनट। जरा शिफा क्या बोल रही हो? मैम मैंने किया ना इनको ऐड, देखो 1 5 1 5 6 1 6 के ना, अब है ना 0 1, और ये भी मुझे यहाँ पे करना है लिखना है। जरा मुझे दिखाओ सीधे क्या दिखा रही, क्या किया है ये भी लिखना है। ये कहाँ आएगा जीरो, कैसे पहले आएगा खाली 65 को लिखना है, जीरो तो पहले नहीं लिख सकते है ना, खाली 65 आएगा। मैं कहाँ पे? 65 वीडियो ऑन, आप देखिए मैंने किया, आपने लिखा है ना 065, वहां पे आएगा 65 खाली, ये जीरो तो पहले नहीं आता है। मैम आप देखिए मैं ठीक किया, बस ऐसे देख करना है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ रुतबा इरशाद ने ठीक किया है। आप बोले कितने पार्ट्स करने हैं, कौन कौन से? मैम आप देखिए मैंने ठीक किया है, जरा दिखो। मैंने बोला ना अभी मैं जो दिखा रही थी ऐसे आपको करना है, ये 0.65 नहीं लिखना है। और इसको आपने कैसे लिखा है ना, पार्ट लिखित ना कुछ लिख के है, ये क्या कर दे हो आप, ये कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है, ऐसे करोगे आप कॉपी पर भी काम?
हाँ आपको मैंने सब कुछ दिखाती हूँ, डेट लिखना होता है, एक्सरसाइज लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर, पार्ट क्या है, आप ऐसे करते हो। इसको ठीक करो मिस मैम। ओके मैम, कहाँ है कॉपी? मैम मेरा देखिए। चुप, ये क्यों गलत किया है? हाँ मैं आपने बोला फिर वहां ये जीरो, मुझे मैं लगा ऐसे वहां जीरो, मैं बाकी ठीक है, आपसे और यहां रफ से कॉपी, किया। मैम मैं दिखाऊं? रफ पे यूज किया करो पेंसिल, ठीक है? हाँ ठीक है, रफ पे यूज किया करो पेंसिल, अगर गलत हो जाएगा तो फिर आप इरेज कर सकते हैं रफ। मैम आप देखिए मैं ठीक, हाँ ठीक है, जरा रूहान आप मुझे दिखाइए, गुस्सा नहीं रूहान हुआ, रूहान पर जरा मैं दिखा रहा दिखाइए। हूँ मैम। मैंने अब देखे मैंने ठीक किया रिपोर्ट। हाँ ठीक है, काकस $10 पॉइंट डॉलर इसको जरा आप दिखाओ। रूहान कहाँ है आपकी कॉपी? गए, माइक्स बंद कीजिए मारे। रूहान दिखाइए आप। कौन से पास करने हैं रफ कॉपी फेयर पे? हाँ वेट वेट मैं बोलूंगी। आप देखे मैंने ठीक किया। हाँ साफ साफ लिखना है ऐसे ही कॉपी पर, ठीक है आपका भी। तो आई बजावे जरा आप दिखाओ। वन वन, हाँ ठीक है। मैंने भी किया, चलिए अब आप अपनी कॉपी पर मेरा फेयर ठीक कॉपी, है। अब आप लोगों ने जी पार्ट तक किया है, ठीक है? ये है ई मैंने पार्ट तक भी सारे। किया, मेरा ठीक है। यस मैम, हाँ आप, मैंने भी मैंने बोला किया ई आप साफ पास्ट। साफ लिखा करो मिस सैम, ऐसे ही लिखना होता है, पहले क्यों नहीं ऐसे लिखा था? हाँ ऑलमोस्ट सारे मैम बच्चों ने आप पार्ट ई ई पार्ट। पास्ट से समझाइए प्लीज। नाउ लिसन लिसन टू मी, अब कीजिए वीडियोस माइक्स बंद। ई पार्ट तक ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने किया है, पार्ट ई तक है ना रफ कॉपी पर, तो अब आप पार्ट एफ करेंगे फेयर कॉपी पर, ठीक है? लेकिन रफ कॉपी पर आप बराबर पार्ट एन तक करेंगे इसको प्रैक्टिस, ठीक है? आपको ये सारे पार्ट्स आने चाहिए, ठीक? फिर फेयर कॉपी पर आप पार्ट एफ तक लिखेंगे। मैम हाँ एफ तक लिखेंगे साफ साफ, ठीक है? ओके ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस, मैम, मेरा माइक एक साफ बात करना करना है, है, एफ तक लिखने हैं। सुनिए आप अटेंडेंस। बॉयज फर्स्ट, ठीक है? बॉयज रोल नंबर वन, बॉयज प्रेजेंट टू, थ्री, फोर। प्रेजेंट मैम, आप उर्दू की क्लास क्यों नहीं देते हो काशिफ? मैम हाँ मुझे लिखना ही आई थी कल। क्यों? वो जो ऑलरेडी हमने भेजी है लिंक, और आप लोगों को टाइम टेबल भी मिला है ना, आप क्या बोलते हो ये मुझे लिंक पता है नहीं है? वो नए से भेजेंगे। ये सेम है आपको लिंक, उर्दू में मैथ्स में चेंज नहीं हुई है, साइंस में भी वही है जो आप लोगों को थी लिंक, मीटिंग आईडी वही है, पास कोड भी वही है, और उर्दू की क्लास भी आप ज्वाइन करना। रोल नंबर फाइव, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सिक्स, सेवन, रोल नंबर सेवन। मैम, प्रेजेंट मैम, रियान शायद आप काम करते हो कि नहीं? यस मैम, हाँ आज यस का मैम, काम किया? यस मैम, मैं कर रहा हूँ। ओके कल का काम सेंड करना बाद में, ठीक है? ओके मैम, ओके रोल नंबर एट, मोहम्मद अनीस, एट रोल नंबर। वो नहीं है क्लास में। वो अभी तक था, वो कहाँ गया? नाइन अधीन, रोल नंबर नाइन।
टेन मोहम्मद प्रेजेंट मैम आप काम करते हो कि नहीं वासिफ यस मैम मैं करता हूँ रूम नंबर 11 मसरूर अब्बास 12 सुरैज अली रोल नंबर 12 मैं वो बीमार है सुरैज अली 13 14 15 प्रेजेंट मैम 16 यावर अब्बास 16 मैं वो भी नहीं है क्लास में 17 18 19 प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम अमली 20 21 प्रेजेंट मैम मैम जब इनका आंसर आता है ना मैम उसके बाद पॉइंट के जैसे पहले पार्ट को आया 4.7.9 उसको हम लिख सकते हैं 4.7.90 और 4.7.9 भी मैम आप पहले ये देखे मैंने ई पार्ट ठीक किया जरा अटेंडेंस सुनिए पहले मीटिंग खत्म हो जाएगी ना अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों की अटेंडेंस फिर आपको सबको एब्सेंट मार्क लगेगा पहले अटेंडेंस ओके मैम कीजिए अटेंडेंस बीच में आप कोई बात नहीं करेगा गर्ल्स माइक्स वन कीजिए रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम 3 मैम प्रेजेंट रोल नंबर 2 आप कहाँ थी मुझे कल मैम मुझे कल पैक ही नहीं था फोन को ओके 5 6 प्रेजेंट मैम 7 मैम 6 इज प्रेजेंट ओके 7 रोल नंबर 8 प्रेजेंट मैम 9 प्रेजेंट मैम मैम मैं आज उर्दू की क्लास नहीं दे पाऊंगी 10 रोल नंबर 10 मैम रोल नंबर 10 इज प्रेजेंट 11 12 प्रेजेंट मैम 13 प्रेजेंट मैम 14 15 मुजैब 16 17 प्रेजेंट मैम 18 प्रेजेंट मैम 19 प्रेजेंट मैम मुहिबा मैम 19 प्रेजेंट 21 प्रेजेंट मैम 22 सानिया 23 रुतबा मुश्ताक 24 मदीहा आज रोल नंबर 24 ने भी ज्वाइन किया था वो कहाँ गई ओके किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई नो मैम नो मैम मुझे कुछ बोलना है बोलो मैम मैं आज उर्दू की क्लास नहीं दे पाऊंगी मुझे अभी जाना है कहीं ओके चलो कोई नहीं आज हमें उसमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ओके मैम मैम फिर आप कल उनको रिपीट कर सकती है मैम आप देखिए मैंने ये बात ठीक किया ओके मैम थैंक यू मैं वो सेंड करूंगी ग्रुप में आज ही आपको तो फिर वो आप उतारेंगे काम हाँ जी बोलो आप देखिए मैंने